इससे पूर्व के टॉपिक में हम अभिरुचि की परिभाषाएं, विशेषताएं और अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस टॉपिक में हम अभिरुचि के अवयव पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड। अभिरुचि के तीन प्रकार के अवयव होते हैं, भौतिक प्रक्रिया संबंधी अवयव, संवेदी अवयव और मनोगत्यात्मक अवयव। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्धिक प्रक्रियाओं से संबंधित अवयव। यह अभिरुचि का मुख्य अवयव है। यह सोचने की उस संज्ञानात्मक विधियों यदा स्मरण विधि, विचारों, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय आदि से संबंधित है। ये प्रक्रिया सूचना की पहचान, खोज आदि में या आदि का महत्वपूर्ण अंग होती है। और ये सभी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, समस्या समाधान पढ़ चुके हैं, तर्क पढ़ चुके हैं, विचार पढ़ चुके हैं, संवेदनाएं पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा आता है संवेदी अवयव। यह संवेदी प्रक्रिया से संबंधित योग्यताओं को बताता है। यह दृष्टि और श्रवण से संबंधित होता है। दृष्टि देखने की संवेदना से, दृष्टि की योग्यता देखने से, देखने की संवेदना और श्रवण योग्यता सुनने की संवेदना से। तीसरा आता है मनोगत्यात्मक अवयव। यह शरीर के अंगों की गति से संबंधित होता है, जैसे हाथ, पैर, उंगलियों आदि से संबंधित। इनमें शामिल योग्यताएं जैसे शक्ति, गति और नम्यता आदि होती है। आगे हम देखते हैं अभिक्षमता के प्रकार। अभिक्षमता तीन प्रकार की होती है, सामान्य अभिक्षमता, भेदक अभिक्षमता और विशिष्ट अभिक्षमता। सामान्य अभिक्षमता क्या होता है? जो अभिक्षमताएं किसी भी कार्य को समान रूप से या सामान्य रूप से करते हैं, जो जैसे हम किसी भी कार्य को सामान्य तरीके से जो करते हैं वो सामान्य अभिक्षमता कहलाती है। दूसरी है भेदक अभिक्षमता। हम किसी कार्य को अन्य लोगों से अलग किस प्रकार करते हैं या अन्य लोगों से अलग किस प्रकार करते हैं, हम दूसरों से किस प्रकार अलग तरीके से कोई कार्य को कर सकते हैं, यह भेदक क्षमता कहलाती है, अर्थात अन्य लोगों से अलग करती है। तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता। विशिष्ट अभिक्षमता से मतलब किसी भी कार्य को करने की दक्षता, जैसे डॉक्टर मरीजों से संबंधित अच्छे से कार्य को कर सकता है, ना कि नर्स करेगी। जैसे मैकेनिक है, मैकेनिक मोटरसाइकिल को बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है या कार को अच्छे से ठीक कर सकता है। टीचर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है क्योंकि उनमें दक्षताएं होती है। अभिक्षमता के मापन। अभिक्षमता के मापन दो प्रकार के होते हैं, सामान्य अभिक्षमता मापन और विशिष्ट अभिक्षमता मापन। सामान्य अभिक्षमता मापन क्या होता है? एक विशिष्ट क्षेत्र में छात्रों की अभिक्षमता का मापन नहीं करके ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की अभिक्षमताओं को मापन एक साथ किया जाता है, अर्थात एक का ना करके एक साथ बहुत सौ या बहुत से अभिक्षमताओं का परीक्षण करना, जैसे बहु अभिक्षमता परीक्षण माला, जैसे मल्टी और एप्टीट्यूड बैटरीज के टेस्ट जो किए जाते हैं वे। इनमें मुख्य रूप से जो वर्तमान में प्रचलित परीक्षण है वे है DAT, जो कक्षा 8 से 12 के छात्रों के मापन में का कार्य करते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक चिंतन, अमूर्त चिंतन, यांत्रिक चिंतन, वर्तनी संबंधी, संख्यात्मक क्षमता संबंधी, दैहिक या देशिक संबंधित, व्याकरण संबंधी, लिपिक गति और परिशुद्धता से संबंधित जितने भी परीक्षण होते हैं वे सभी DAT में आते हैं। दूसरा होता है GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। इसमें 9 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है।
जबकि ये डीएटी में 8 किया जाता है। इसमें 9 अभिक्षमता का मापन किया जाता है। वैसे होती 12 परीक्षण, 12 परीक्षणों द्वारा होती है। 12 में से 8 परीक्षण पेपर पेंसिल वाले होते हैं, बाकी 4 में उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से 9 अभिक्षमताएं का जो मापन किया जाता है वे है बुद्धि, शाब्दिकता, संख्यात्मकता, देशिक, लिपिक प्रत्यक्षण, क्रियात्मक समन्वय, आकार प्रत्यक्षण, अंगुली निपुणता और हस्त निपुणता। दूसरा होता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी एक ही तरह की अभिक्षमता का माप किया जाता है। इसमें मल्टी है और इसमें एक, ऐसे परीक्षण को एक कारक अभिक्षमता परीक्षण कहा जाता है। जैसे डीएमएटी, डीएमएटी, जीसीएटी या सीएटी, कॉलेज स्टूडेंट परीक्षण जो होते हैं वे सभी एक परीक्षण पर आधारित होते हैं या एक कारक अभिक्षमता परीक्षण पर आधारित होते हैं। आवश्यक अभिक्षमताएं जो होती है वे होती है तार्किकता संबंधी, भाषाई संबंधी, मानवीयता के संबंधी, नेतृत्व से संबंधित, सामुदायिकता से संबंधित, सामाजिकता से संबंधित और तकनीकी से संबंधित। यदि हम कहीं अच्छे से जॉब पर जाते हैं तो हमें ये सारी एबिलिटी या अभिरुचियाँ देखी जाती है कि हमें तर्क करने की शक्ति है कि नहीं, या हमें ऐसे किसी क्षेत्र में भेजा जाए वहाँ की भाषाओं का ज्ञान हमें है या नहीं, हम उस प्रकार भाषाओं या लोकल भाषाओं के आधार पर हम उनका समस्या का समाधान कर सकते हैं कि नहीं करते, मानवीयता हमारे मन में है या नहीं, हम नेतृत्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम में सामुदायिकता है या नहीं, समाज को साथ लेकर चलते हैं कि चलते हैं, समाज के रीति रिवाजों के बारे में जानकारियाँ है या नहीं, और आधुनिक रूप से तकनीक का ज्ञान हम में है या नहीं, ये सारे ही आवश्यक अभिक्षमताएँ देखी जाती है। अधिक या कम अभिरुचि वाले छात्रों में अनुदेशात्मक उपचार किस प्रकार कर सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं। पहला है उच्च अभिरुचि वाले छात्र असंकुचित अनुदेशात्मक नीति का चुनाव कर उपचार कर सकते हैं। दूसरा है कम अभिरुचि वाले छात्रों के लिए उच्च संरचित अनुदेशात्मक उपचार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी इकाइयों में किया जाता है, यह कार्यक्रमिक चरणों में होता है और इसमें प्रतिपुष्टि के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तीसरा है यदि दोनों से लाभ न हो तो पूरक अभिरुचि परीक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें निर्देशित पठन कौशल, अध्ययन आदतें और स्व अधिगम कौशल आते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में संचरित उपचार के लिए तैयार करना होता है। कभी कभी हम रुचि और अभिरुचि में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे रुचि और अभिरुचि में अंतर देखते हैं। किसी कार्य को प्रसन्नता से, उत्साहपूर्वक से या जिज्ञासा के साथ या संतुष्टि के साथ यदि कार्य किया जाता है तो वह रुचि कहलाता है। अभिरुचि का संबंध क्षमता व कौशलों से होता है। जैसे बीएड की प्रारंभिक परीक्षा अभिरुचि से संबंधित होती है। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। रुचियों में अभिरुचि निहित होती है, अर्थात रुचियों के अंदर अभिरुचियां निहित होती है। अभिरुचि केवल अर्जित होती है या अनुमान लगाना है। जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे हम शादी में जाते हैं, शादी में जाने के बाद हम लोगों को डांस नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हमें जबरदस्ती पकड़ करके डांस करवाया जाता है, तो वो मात्र उसे हम रुचि कहेंगे क्योंकि उसमें निपुणता नहीं है। रुचि में निपुणता होना आवश्यक नहीं होता है, बस जैसे तैसे करके डांस कर लो। जबकि अभिरुचि में निपुणता होना आवश्यक है, अर्थात आप आपके कार्यों में निपुण होना चाहिए। जैसे गाड़ी खराब हो गई हो तो मैकेनिक के पास जाते हैं, देखते ही वो बता देता है कि इसमें क्या खराबी है, अर्थात उसमें कौशल है, तो ये कहलाता है अभिरुचि। या फिर सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट उसने सीखा है तो वह क्या कहलाएगा, उसकी अभिरुचि कहलाएगी। रुचि पर वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध होता है, अभिरुचि पर केवल वातावरण का संबंध होता है। रुचि अस्थायी होती है, अर्थात बचपन में कुछ और होती है, बाद जवानी में कुछ और होती है,
और बुढ़ापे में कुछ और रुचियां होती है। अभिरुचियां स्थायी होती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो वो क्रिकेट ही खेलता है शुरू से लेकर आखिरी तक। रुचि सामूहिक हो सकती है, रुचियां दो, जैसे क्रिकेट की टीम लगभग 11 व्यक्तियों की एक टीम है तो वो रुचि सामूहिक हो सकती है, जबकि अभिरुचियां व्यक्तिगत होती है, अर्थात उनके खेलने का तरीका जो है वो सब में अलग अलग होगा। सचिन का खेलने का तरीका अलग है और सहवाग का खेलने का तरीका अलग है, राहुल शर्मा का खेलने का तरीका अलग है ये, और पर अभिरुचि में रुचि निहित नहीं होती है, ये ध्यान देने वाली बात है।